are you also among those who want to focus on the studies but cannot focus it regularly? क्या आप भी उनमें से एक हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं, जो examination clear करना तो चाहते हैं, लेकिन उनसे अच्छे से focus नहीं हो पाता है? So basically each and every aspirant who is into competitive examination field or any of the fields, चाहे school में है, चाहे college में है, चाहे after college पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे examination की preparations कर रहे हैं, चाहे competition fight कर रहे हैं, कोई भी aspirant होते हैं ना, सबको एक focus की problem जरूर आती है. You all are facing a problem of broken focus, right? I hope you all will agree with me. तो यहाँ पे focus को सही कैसे करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे. हम ये बात नहीं करेंगे कि focus क्यों जरूरी होता है, focus क्यों भटकता है. ये आप सबको पता है कि distractions होती है, focus नहीं बन पाता है ना, वो सब लोग बात करते हैं. लेकिन focus बढ़ाना कैसे है, हम लोगों ने अपने focus को सही कैसे करना है. देखो, दिस सेशन इज नॉट ओनली फॉर दोज हु आर गिविंग द एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो आपकी डेली रूटीन में जितने भी आप लोग काम करते हो, चाहे आप किसी चीज को बना रहे हो अपने हाथों से, कोई पेंटिंग बना रहे हो, कोई चीज खरीदने जा रहे हो, यू नीड अ फोकस. नए कपड़े भी खरीदने होते हैं ना, तो भी हमें एक फोकस, शांत दिमाग चाहिए होता है कि यार अच्छे से कपड़े खरीदने हैं, अच्छे से ध्यान से तसल्ली से लेके आएंगे, है ना, उसके लिए भी फोकस चाहिए. बट प्रॉब्लम क्या रहती है ना, देखो अब फोकस बन तो नहीं पाता है, हमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज फॉलो करनी है. बेसिकली जो हमारा ब्रोकन फोकस होता है ना, ये किस वजह से होता है, लाइक एक इसको हम नाम देंगे, दिस इज अ ब्रोकन फोकस सिंड्रोम, जो हम सब फेस करते हैं. मैं भी फेस करती हूँ, मैं आपसे कोई अलग नहीं हूं, मैं भी ये चीज फेस करती हूँ. आपको क्या करना है, जस्ट एक फोकस फॉर्मूला अपनाना है, जो मैंने भी अपनाया था. यूं नहीं कहूंगी कि मैंने फुल्ली अपनाया था, क्योंकि देखो हर चीज जब आप कर जाते हो ना, तो आपको बाद में एक्सपीरियंस और ज्यादा हो जाता है कि इसमें और एडिशंस क्या किए जा सकते थे. पहले मैं अपना बताऊंगी कि मैंने क्या फॉलो किया था, फिर मैं बताऊंगी कि इसका अपडेटेड फॉर्मूला क्या है. क्योंकि मैंने अपना लिया ना, मुझे उसकी जो है नेगेटिव्स पता चल गए मुझे उसके, अब उसे हम रेक्टिफाई भी करेंगे. देखो जो मैंने अपनाया था वो क्या था, हम लोग काफी जगह से सुनते हैं कि आपको एक चीज को, रूटीन को कुछ दिनों तक फॉलो करना होता है. तो व्हाट डिड आई डू, आई फॉलोड अ सेम थिंग. जैसे मुझे अगर पढ़ना है, मुझे पढ़ाई में फोकस नहीं बन रहा, मुझे पढ़ाई में फोकस नहीं बनाना आ रहा है, तो मैं क्या करती थी, आई वुड फोकस इट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे पढ़ने बैठती थी. मतलब 2 घंटे पढ़ा फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ा फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ा फिर ब्रेक. मैं इस तरीके से पढ़ती थी, ठीक है. सो यू शुड हैव 1 फोकस फॉर 2 आवर्स एंड फॉर अ मंथ, है ना, एंड फॉर अ मंथ, जो मैंने किया. यू शुड हैव अ फोकस फॉर 1 फोकस फॉर 2 आवर्स एंड फॉर अ मंथ, ये मैंने फॉलो किया था. मैं 1 महीने तक मैंने अपनी रूटीन अपनाई, 2 घंटे पढ़ती थी फिर ब्रेक, फिर 2 घंटे पढ़ती थी फिर ब्रेक. और 1 महीने बाद मेरे साथ क्या होना, वो जो रूटीन मेरी चल रही थी ना, वो ब्रेक हो गई, है ना. फिर एक नए सिरे से मुझे अपनी रूटीन बनानी पड़ी, फिर उसमें कुछ चेंजेस आए, तो मैंने ऐसा कुछ किया था. बट इसमें नेगेटिव्स क्या थे ना, कि जब आपका 1 महीना पूरा हो जाता है ना, तो आपको एक्चुअली में पता चल जाती है कि रूटीन चलेगी आपकी कैसे. आपका एक माइंड मेकअप हो जाता है कि मुझे सारा दिन ऐसे ही करना है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन या फेडअप वाली फीलिंग होती है ना, वो आनी शुरू हो जाती है. और अगले महीने से आप कहते हो कि अब नहीं हो पाएगा. तो इसमें हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, देखो आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो, उसके लिए ना आपको कितना टाइम चाहिए होता है. मतलब बेसिक प्रिपरेशन के लिए यू नीड 3 मंथ्स टू क्लियर योर बेसिक्स. बेसिक्स के लिए 3 महीने चाहिए, उसके बाद 3 महीने और आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम अ ईयर आपको लग सकता है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए. तो आप क्या कर सकते हो, यू शुड ओनली हैव 1 फोकस, सेम 1 फोकस आप रखोगे. फिर आप क्या करोगे, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका जो ध्यान है बहुत जल्दी भटक जाता है, तो आप 1 घंटे से शुरू करोगे. 1 फोकस फॉर 1 आवर एंड फॉर 3 मंथ्स, 1 फोकस 1 आवर 3 मंथ्स, 1 फोकस 1 आवर 3 मंथ्स. आई होप आपके दिमाग में चलेंगे अभी बातें. एक आपका फोकस होना चाहिए, 1 घंटा पढ़ाई करोगे फिर ब्रेक, फिर 1 घंटा पढ़ाई करोगे फिर ब्रेक. ब्रेक कितनी, सिर्फ 15 मिनट्स की. फिर 1 घंटा पढ़ाई करोगे फिर ब्रेक. अगर आप उनमें से हो जिनका बहुत जल्दी ध्यान भटकता है, तो आप 1 घंटे से शुरू करोगे. जो थोड़ा सा अपने आप को काम रख के फोकस थोड़ा सा बना पाते हैं, वो 2 से 3 घंटा भी रख सकते हैं. अगर मेरी मानो, अगर आपका जो माइंड मेकअप है, इतनी जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, बट हाँ हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. अगर आप इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, तो आप क्या करोगे, 1 फोकस
2 hours or 3 hours, one focus, 2 hours or 3 hours for 90 days for 3 months. ये आप फॉलो करोगे और आप इस रूटीन को हर दिन फॉलो करोगे. संडे का मैं एक्सेप्शन यहाँ पे आपको दे सकती हूँ क्योंकि संडे को हमारे और भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, फैमिली के साथ बैठना होता है, अदर सब्जेक्ट्स हमें रिवाइज करने होते हैं. संडे, सैटरडे संडे आप एक्सेप्शन रख सकते हो, लेकिन बाकी के दिनों में आपको फिर से बोलूंगी क्या करना है, वन फोकस, टू और थ्री आवर्स फॉर 3 months. तो जब आपकी ये 3 महीने रूटीन चलेगी ना विद ब्रेक्स, सैटरडे संडे को मैंने आपको ब्रेक दे दिया, तो विद ब्रेक्स जब चलेगी ना तो आपको एक बोरियत महसूस नहीं होगी, आपको अंदर से जील आएगी कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो पा रहा है, मैं फोकस बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ. और जब ये कंसेंट्रेशन बनने लगती है ना तब पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है. ठीक है, मैंने क्या की गलती एक और की थी, मैं सैटरडे संडे ब्रेक नहीं रखती थी. मैं सैटरडे संडे भी इसको फॉलो करती थी, फुल्ली फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि देखो क्योंकि हमें संडे को रिवाइज करना पड़ता है ना, जैसे जनरल अवेयरनेस या फिर एडिटोरियल, तो थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है. तो जो आधा दिन मेरे पास होता था ना उसमें भी मैं ये चीज फॉलो करती थी, 2 घंटे फिर ब्रेक, 2 घंटे फिर ब्रेक, तो वो ना बहुत मोनोटोनस सा हो गया था मेरे लिए. लेकिन आप क्या करोगे, सैटरडे संडे को आप फुल्ली ब्रेक लोगे, आप अपनी ये वाली रूटीन चेंज कर सकते हो, बट फ्रॉम मंडे यू हैव टू बी राइट बैक ऑन योर ट्रैक. आप अपने ट्रैक पे वापस आओगे, फिर से इसी रूटीन को फॉलो करोगे. तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, वन फोकस, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड माइंड के हो तो 1 आवर, नहीं हो तो 2 और 3 आवर्स फॉर 3 months. आपको 3 महीने तक ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है, जिससे आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी मिल गई और आपकी रूटीन भी अच्छे से सेटअप होती चली गई. शेड्यूल आपको पता है कि आपको कैसे बनाना है, अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने आपको काफी सारे सेशन दे रखे हैं शेड्यूल के. प्लस एक और चीज, एक कहावत है ना कि अगर आप 2 चीजों पे फोकस करोगे तो कोई भी हासिल नहीं होगा. इफ यू आर सेलिंग ऑन 2 boats देन यू विल गेट नथिंग, इफ यू आर एमिंग ऑन 2 rabbits देन यू विल कैच नथिंग. अगर आप 2 rabbits पे फोकस कर रहे हो तो आप एक को भी पकड़ नहीं पाओगे, 2 नावों पे सवार हो रहे हो तो डूब जाओगे, सबने सुना है. तो यही चीज करनी है जो मैंने वन फोकस आपको बोला है. इफ यू आर फोकसिंग ऑन 1 thing दैट इज बैंक एग्जामिनेशन, तो बैंक एग्जामिनेशन पे ही फोकस करना. फिर और किसी चीज पे करोगे तो वही 2 नावों पे सवार होने वाली बात हो जाएगी और हम लोग डूब जाएंगे. इसलिए मैं रिपीट करती हूँ, वन फोकस. ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें फॉलो करनी है. एंड अगर आपको लगता है इसमें कुछ आपको मेरे से पूछना है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी कि आप ये चेंजेस किस तरीके से ला सकते हो. क्योंकि मैंने रूटीन फॉलो करके देख ली, मुझे इसका एक्सपीरियंस हो गया, अब आप करोगे तो 3 महीने में क्या 1 महीने बाद ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो. ठीक है, तो ये चीज आपको डेफिनेटली फॉलो करनी है एंड आप फॉलो करोगे. आपको कुछ लगेगी कमियां तो कमेंट्स में डाल देना अपने खुद के रूटीन में. ठीक है, मेरी तरफ से दिस इज द बेस्ट थिंग, सो यू ओनली हैव टू फॉलो द फोकस फॉर्मूला टू गेट अवे फ्रॉम द ब्रोकन फोकस सिंड्रोम. यू आर गुड टू गो माई फ्रेंड, बाय वेटिंग, बाय बाय.